देश और दुनिया से जुड़ी हुई राजनीतिक खबरों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी कौन सी बड़ी खबर आ रही है। हमारा देश इस वक्त आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और इसी स्थिति से निपटने के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को सलाह दी है। देश में जारी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अब सभी लोग परेशान हैं, तो बात करें पीएम मनमोहन सिंह की, उन्होंने जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आर्थिक मंदी के बारे में काफी बार सलाह भी दे चुके हैं नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने 5 सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार जीएसटी को लेकर तर्क संगत कर देगी तो थोड़ा नुकसान भले ही होगा लेकिन देश को फायदा होगा। वहीं कृषि को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पुनर्जीवन करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। कृषि बाजारों को फ्री करके लोगों के पास पैसा वापस आ सकता है। पूंजी निर्माण के लिए कर्ज की कमी दूर करनी होगी। अमेरिका चीन में चल रहे ट्रेंड वार से खुले नए निर्यात बाजारों को पहचानना होगा। तो ये 5 सलाह दी हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को। अगर वो उन्हें मानती हैं तो आर्थिक मंदी से निपटने के लिए थोड़ा समय मिलेगा और थोड़ी सहूलियत भी होगी।